इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह बोले? वो जानबूझकर स्कूल नहीं जा रहा है। उसने जानबूझकर मुझे धक्का दिया। तुम जानबूझकर बाजार नहीं गए। वो जानबूझकर झूठ बोल रहा है। जानबूझकर के लिए इस्तेमाल होता है डेलिब्रेटली। फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट और प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस के मतलब सेंटेंस के हिसाब से आएगा, प्लस डेलिब्रेटली, फिर उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। वो जानबूझकर स्कूल नहीं जा रहा है। ही इज़ डेलिब्रेटली नॉट गोइंग टू स्कूल। तुम जानबूझकर बाजार नहीं गए। यू डिडंट डेलिब्रेटली गो टू मार्केट। उसने जानबूझकर मुझे धक्का दिया। ही डेलिब्रेटली पुश्ड मी। वो जानबूझकर झूठ बोल रहा है। He is deliberately telling a lie. वो जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है। He is deliberately bothering me. इसी तरह के सेंटेंसेस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू।